जिला मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री पहली दफा निरीक्षण करने करसोग पहुंची। करसोग पहुंचने पर उन्होंने जंजहली छतरी व करसोग पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इसके पश्चात उन्होंने करसोग में पत्रकारों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से तत्तापानी की पुलिस चौकी की दयनीय हालत के बारे में चर्चा की और कहा कि तत्तापानी में अब पुलिस का कार्य बढ़ चुका है। बेहतर व्यवस्था रखने के लिए जल्द ही तत्तापानी में एक अच्छी पुलिस चौकी का निर्माण करने के बारे में बात की गई। साथ ही साथ करसोग की कई समस्याओं जैसे ट्रैफिक जाम, रात्रि गश्त में पुलिस द्वारा ज्यादा सख्ती करने व युवाओं में बढ़ते नशे की रोकथाम तथा बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने हेतु शीघ्र ही एक पुलिस गुमटी बनाने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। इस विशेष चर्चा में उनके साथ डीएसपी करसोग सहित एसएचओ करसोग रंजन शर्मा भी मौजूद रहे। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आज मेरे विजिट पे आप यहां मुलाकात के लिए और बातचीत के लिए आए। ये जो थानों में जो स्ट्राइक है वो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी कमी चल रही है, क्योंकि हमारे कुछ प्रमोशनल कोर्सेज जो हैं पीटीसी ग्रो में चल रहे हैं, जो कि अप्रैल तक हमें उम्मीद है कि उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और नया जो प्रमोटेड लॉट है वो डिस्ट्रिक्ट का लॉट होगा। और इसी में करसोग और जंजैहली थाने में भी कुछ लोग जो है ट्रेनिंग पे गए हैं, जिसकी वजह से हमें रिसोर्सेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये मेरे ध्यान में है और ये उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी है, तो इसको हम जिस भी वे से पूरा कर पाएंगे हमारी फिलहाल कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल महीने के बाद जैसी नई कोचिंग मंडी जिला को मिल जाएगी, ये सभी इशूज जो है अपने आप सेटल हो जाएंगे। साथ ही जो ट्रैफिक और ये जो समस्या आज मैंने खुद भी देखी बाजार में, तो मुझे लगता है इसको भी स्ट्रेंथन करने की हमें ज़रूरत है। तो मैं वापस जाके एक प्लान इसमें हम चॉकआउट करेंगे कि कितना फोर्स जो है या होम गार्ड की प्रेजेंस जो है करसोग में बढ़ाई जाए, ताकि बाजार का जो ट्रैफिक की समस्या है उसको सेटल कर सकें। खास तौर पर करसोग का दौरा, पहली बार आप करसोग दौरे पे आई हैं, और क्या पाया मैम यहाँ पर जो व्यवस्था है और क्या निर्देश दिशा निर्देश रहे हैं आपके और क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम करसोग का एक ऑफिशियल विजिट और इसमें क्राइम मीटिंग मैंने यहाँ की है। करसोग एक बहुत ही सुंदर जगह है और एक छोटा सा कस्बा जो पूरा एक बहुत ही अच्छे सुंदर दृश्य के बीच में बसा हुआ है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम जो दोनों पुलिस स्टेशन अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी इनके रिसोर्सेज है, जिस तरह के इनको चैलेंजेस मिले हैं, तो वो हमने आज रिव्यू किया है कि किस एरिया को और ज़्यादा प्रयास करने की हमें ज़रूरत है और केसेस जो है टाइम बाउंड वे में जितना जल्दी हो सके पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से हम इनको कम्प्लीट करें और कोर्ट में इनको भेजा जाए। तो उचित जो दिशा निर्देश है केस वाइज केस एसएचओ और डीएसपी मैडम से डिस्कस हुआ और मेरी तरफ से जो भी इनको गाइडेंस देनी थी वो मैंने दी है। साथ में अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, तो थोड़ा सा फोकस पुलिस के मेन कार्य से हटके पंचायत में था, तो उसको वापस जो है हम दोबारा से अब अपने मेन काम में वापस आए हैं। मुझे उम्मीद है कि परफॉर्मेंस इनका इस महीने और भी अच्छा आएगा पिछले महीने के कंपेरिजन में। और साथ में एक चीज़ मैं आपके माध्यम से पब्लिक में एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि मैंने अभी रिव्यू में ये देखा कि करसोग थाने में 420 धारा के अंतर्गत दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अगेंस्ट मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ है। और पूरा डिस्कशन के बाद मुझे ये पता चला कि स्थानीय लोगों ने लाखों रुपए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जो इनके MD और जो इनके चीफ ऑफिसर्स थे वो यहाँ से बिना उनके पैसे का पेमेंट किए यहाँ से फरार हुए और ये ऑफिस जो है आज की डेट में बंद है। तो इसमें पुलिस ने मुकदमा दायर किया है और एक केस में तो हमारी जानकारी के हिसाब से जो MD यहाँ पे थे वो अभी लखनऊ के जेल में बंद है और दूसरे केस में ऑफिस जो है उसको हम ट्रेस करने का प्रयास करेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है। तो पब्लिक से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि वे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो हिमाचल बेस्ड हैं और जहाँ पे आप ऑनर्स और MDs को पर्सनली हम पहचानते हैं जानते हैं, उन पे हो सके तो उनमें इन्वेस्ट करें। और इस तरह की स्कीम्स जहाँ पे MD और जो लोग हैं उनको उनका पूरी जानकारी उनके पास नहीं है उसमें इन्वेस्ट ना करें। साथ ही क्योंकि ये पूरे सिस्टम में लोकल लोगों को एजेंट के तौर पर एम्प्लॉय किया जाता है, तो उनका कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वे पूरी छानबीन के बाद ही किसी को प्रमोट करें और पब्लिक के बीच में जाकर मैसेज दें। और एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे लिए वो भी उतना ही लाइबल है, उतना ही उसकी कल्पेबिलिटी बनती है जितना कि मालिक की बनती है। तो ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी के कारण लोग इस तरह की स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जिस तरह का ये क्षेत्र है मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसा जो है बहुत मेहनत से और कड़ी मेहनत से यहाँ के लोग अर्न करते हैं।
तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि वो पैसे जो है या तो बैंक में इन्वेस्ट करें या ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जिनका बैकग्राउंड जो है टेस्टेड हो, वेरीफाइड हो, और जो इस तरह की छोटी स्कीम्स ना हो जिनका हेडक्वार्टर हमें पता नहीं है और जो लोग उसके हेड हैं उनके बारे में हमारी जानकारी कमी है। साथ ही मैंने SHO और DSP मैडम को भी आदेश दिए हैं आज की इस तरह के जो कॉपरेटिव सोसाइटी के सोक में या जंजैली में चल रहे हैं उनको केस टू केस बेसिस पे वेरीफाई किया जाए हमारे एंड पे, ताकि समय आने पे यदि हमें कोई इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए तो हमारे पास एक डेटा बैंक बनाओ, तो वो इनको जो है एक गाइडेंस मैंने दी है और मुझे लगता है कि जल्दी डेटा बैंक बनाएंगे ताकि जो लोग हैं फ्रॉड करने से भी डरें और यदि फ्रॉड होता है तो हमारे पास उचित जानकारी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अवेलेबल है। मैडम हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।